जब गए थे ना इनके घर पे तो भाभी ऐसे गिरी थी, ए खाना डाल दे इसको। तो गाइस ये देखो ये कितना गिर सकती है। इन अरमान मलिक की फैमिली की सोच देखो कितनी घटिया है। देखा कि मेरी बहन ने इसको खाना डाल के दिया। हमारे क्षेत्र में कुत्तों को बोला जाता है इसको रोटी डाल दो। बिग बॉस OTT सीजन 3 अरमान मलिक का अपनी दोनों वीवियो पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ आना उन पर भारी पड़ रहा है। जब से अरमान अपनी दोनों वीवियो के साथ शो में गए हैं तभी से उन्हें और पायल कृतिका को ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। अब पायल बिग बॉस से बाहर हो गई हैं और उन्होंने ट्रोल्स को जवाब दिया है। पायल मलिक जब से बिग बॉस से एविक्ट हुई हैं तभी से वह यूट्यूब ब्लॉग्स के जरिए बिग बॉस कंटेस्टेंट्स और ट्रोल्स को जवाब दे रही हैं। बीते वीकेंड के वार में भी वह आई और उन्होंने कृतिका पर कमेंट करने के लिए विशाल पांडे की क्लास लगाई और बेइज्जती वाले बयान पर शिवानी कुमारी से सवाल उठाए। पायल मलिक का यू विशाल और शिवानी का क्लास लगाना लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने पायल को बुरी तरह ट्रोल कर दिया। पायल ने YouTube पर नया व्लॉग शेयर किया जिसमें वह फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं। पायल ने कहा अगर अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी। अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। आपको बता दें इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए किया था और कहा था कि इस लड़की को खाना डाल दो, जिसके जवाब में पायल ने कहा था कि शिवानी झूठ बोल रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से ये साफ हो रहा है कि शिवानी कुमारी सच बोल रही थी। इसके बाद लोगों ने पायल को खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया और शिवानी की बेइज्जती करने पर अभिषेक ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि आइए आपको सुनाते हैं। तो इसके पीछे सच्चाई कुछ और है। अब आप लोग ये क्लिप देखिए। अरे खाना दो ना इसको। देखा कि मेरी बहन ने इसको खाना डाल के दिया। ठीक है कि हमारी बहन ने खाना डाला था तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने शिवानी की बात एक्सेप्ट की है। इसके बाद तो शिवानी को सपोर्ट करने वालों की बाढ़ आ गई, जिसके बाद पायल ने इमोशनल वीडियो डाला था और रोती हुई दिखाई दे रही थी। आपको क्या लगता है इस विवाद में कौन सही है और कौन गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।